नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत तिथि से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बिहार म्यूजियम में अमर ज्योति प्रकाश जी की एक फिल्म दिखाई गई, पुनर्जन्म। कैसी लगी आपको? अपना परिचय पहले दे दें। मेरा नाम राकेश कुमार है और हम लोग विकलांगों पर काम करते हैं बिहार में। बिहार विकार मंच जन संगठन है जिसके हम स्टेट सेक्रेटरी हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। ये फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म है और ख़ास करके ये फिल्म ना बोलकर भी बहुत कुछ संदेश देता है। काफ़ी अच्छा लगा फिल्म देखने के बाद। लेकिन जो इसमें हमें लगता है कि समाज के युवा लोगों को भी इस फिल्म को बढ़ चढ़ कर देखना चाहिए। बिहार सरकार को भी इस फिल्म के प्रति एक अपना आदर्श पेश करना चाहिए, जो कि लगभग 50 देशों में ये फिल्म गई है और बिहार के ऐसे लोग हैं जो कि इस फिल्म को लोगों ने निर्माण किया है। और हमें ऐसा देखने से लगा कि ये फिल्म बिल्कुल वैसे लोगों पर आधारित है जो नहीं बोलकर भी सारी बातों को कहता है। और सही में क्योंकि जो फिल्म का टाइटल है पूर्ण जन्म, एक ही यह समझिए ईश्वर है और इसका पूर्ण जन्म होता है, तो इसीलिए हमें लगता है कि ये फिल्म काफ़ी लोकप्रिय होगा और बिहार के नहीं पूरे देश के लिए ये एक आदर्श साबित। इस फिल्म से क्या सीख मिलती है? इस फिल्म से सीख यही मिलती है कि व्यक्ति परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं, व्यक्ति का दीर्घ इच्छा शक्ति मर सकती है लेकिन उसका संकल्प नहीं। यदि वो नहीं बोलता है तो इसका मतलब नहीं उसके अंदर जुनून नहीं, वो नहीं बोल रहा है तो जुनून और धैर्य से ओतप्रोत है और वो एक अटल विश्वास पे काम करता है तो ईश्वर भी हो जाता है। इस फिल्म में यह दिखाई देता है। इस फिल्म में लेखक, निर्माता और निर्देशक अमित ज्योति प्रकाश झा जी ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया और दिखाया है समाज में एक भूखे प्यासे ठुकराए हुए एक युवक की कहानी को, और इसमें जो अभिनय उन्होंने किया बहुत ही अच्छा अनुभव अभिनय किया उन्होंने और अभिनय इस कहानी में जान भी डाल दिया। क्या कहें, एक तो बेहतर है कि उन्होंने अभिनय अच्छा किया, लेकिन आप बात समझिए कि अभिनय किस युग में किया। हाँ, आज जहाँ कैमरा का लैस है, जहाँ टेक्निकल बहुत ज़्यादा है और जिस जगह पे उस घाट को जिंदा करके दिखाया जहाँ लोग जाने से डरते हैं, बात यहाँ है हमारे मणिकर्णिका घाट बनारस, बिल्कुल वहाँ पे आप समझिए कि उनकी आत्मा में क्या संवेदना होगी जिस बनारस घाट पे जाके उन्होंने अपना अभिनय किया। इसलिए खास करके युवाओं को जो सिनेमा में जो नाटकों में अभिनय करते हैं उससे उन्हें इस फिल्म से बहुत ही प्रेरणा मिलेगा और जो नाटक का जीवंत उदाहरण है ये फिल्म पेश कर सकता है। समाज में भूखे प्यासे लोग बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे करोड़पति भी होते हैं, उनके पास टिफिन भी होता है, उनके पास पैसे भी होते हैं, लेकिन एक भूखे व्यक्ति को मदद नहीं करना चाहता है। क्या कहेंगे आप, क्या इंसानियत मर गया है समाज में या इंसानियत गायब हो रहा है? देखिए, जबकि मंदिर में लाखों रुपए दान कर देते हैं लोग। दोनों बात कह सकते हैं, इसी इंसानियत मर गया है और इंसान अब है नहीं, लेकिन जिस मंजिल लेके अपने कलाकार जा रहे हैं मंजिल में, जिस पैसे के टुकड़ा गिर जाने के बाद जब वो अंतिम खरी में जाते हैं गौमूत्र और घास का सेवन करते हैं, पुआल का, तो ऐसी परिस्थिति में वो थक कर समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक शक्ति है जो उनके अंदर एक जीवन पेश करता है, एक रूह पेश करता है और जब वो रूह चिलचिलाती लोगों के बीच में आता है तो एक ईश्वर का रूप लेता है। इसलिए इंसानियत मरा है, मानवता मरा है, लेकिन ईश्वर जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस फिल्म को देखा और बिहार के युवा अभिनेता को आपने प्रोत्साहित भी किया, आपने आकर के अपना बहुमूल्य समय दे करके, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं लोगों से अपील करूँगा कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और आपके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और हमें तो लगता है कि बिहार सरकार को इस फिल्म के लिए भारत सरकार को नोबेल पुरस्कार के लिए भी भेजना चाहिए। ये बिहार ऑस्कर अवार्ड के लिए गया, ऑस्कर अवार्ड ही फिल्म को मिलता है। ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ में
ये मिलनी चाहिए और बिहार सरकार इस फिल्म को बिहार दिवस में इसे दिखाए और इस कलाकार को प्रोत्साहित करे कि और समाज की विसंगतियों पे फिल्म का निर्माण किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमृत दिन से मैं रंजन कुमार, अमृत दी, अमृत दिन पटना बिहार।